हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के सामने फिर से कनाडा की एक सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं, रवि की। इनका आज कनाडा का वीज़ा आया है, जो कि 3 दिन में इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है कनाडा का। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रवि फॉर योर कनाडा वीज़ा। शेयर एक्सपीरियंस विद वेस्टर्न ओवरसीज। माई सेल्फ रवि शर्मा एंड आई एम फ्रॉम बराड़ा अम्बाला। ये मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं बड़े होकर लाइक फॉरेन जाऊँ। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने इस बारे में सोचा कि क्यों ना अपना ड्रीम जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो था आइल्स का। तो मैंने बहुत सारे जगह जाके डेमो लिया, काफ़ी सारी जगह मैं गई, बट फाइनली जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली वो मुझे वेस्टर्न ओवरसीज़ की डेमो से मिली और मैंने अपना यहाँ पर ज्वाइन किया। एंड आफ्टर 1 मंथ कोचिंग आई गेव माई एग्ज़ाम। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे बैंड स्कोर आया। देन बात आई फाइलिंग की, तो मैंने अपने फिर फाइलिंग थोड़े टाइम के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के करवाऊँ। तो मैंने इस दौरान काफ़ी सारे एजेंट्स के पास मैं गई, काफ़ी सारे कंसल्टेंसीज मैंने सर्च किया। तो फाइनली जब मेरे को फिर से मेरा जो ट्रस्ट मेरा वेस्टर्न ओवरसीज पे ही रहा, तो मैंने अपनी फाइलिंग यहीं से करवाई और विद इन अ वीक मेरा वीज़ा आ गया। रवि, आप किस प्रोग्राम में, किस कॉलेज में जा रही हो? मैं सेंट क्लेयर में जा रही हूँ, डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी रवि? मेरी क्वालिफिकेशन थी BSc नॉन मेडिकल। इन विच ईयर एंड हाउ मेनी परसेंटेजेस? 2015 विद 61.6%। एंड 15 के बाद से आप क्या कर रहे थे? 15 के बाद से मेरा जॉब एक्सपीरियंस था कंप्यूटर ट्रेनर का, तो उसका मैंने शो किया था अपना एक्सपीरियंस। गाइज, आप लोगों ने जैसे सुना, रवि का जो वीज़ा विद इन 3 डेज अप्रूव्ड हुआ है एंड शी इज़ गोइंग इन बिजनेस डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम इन सेंट क्लेयर कॉलेज। इनका जो एक्सपीरियंस था वो टीचिंग का था, एज अ कंप्यूटर ट्रेनर ये फैकल्टी थे इंस्टीट्यूट में। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो बिजनेस में भी था, तो दैट्स वाई शी चूज दिस प्रोग्राम एंड इनका वीज़ा आ चुका है सक्सेसफुली। आपने देखा है 2015 आप पास आउट हो, थोड़ा सा डर लग रहा था आपको कि हाँ आपका जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का है, BSc नॉन मेडिकल आपने करी है, आपने कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, आप एज अ कंप्यूटर ट्रेनर पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको डर था कि आप कनाडा में आपका कैसे हो पाएगा, मतलब ऑप्शंस कैसे निकलेंगे? यस, ये मेरे को डर तो था, बिकॉज जो गैप था मेरा वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का बन रहा था 2015 के बाद। तो ये मेरे मन के अंदर बहुत बड़ा डाउट था, जिसके कारण मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो मैम ने मुझे काफ़ी अच्छे से क्लियर किया कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ दिखा देते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2015 के बाद इनका जो प्रॉपर एक्सपीरियंस था वो टीचिंग का था एज अ कंप्यूटर ट्रेनर, एंड BSc मेडिकल नॉन मेडिकल में भी इन्होंने ऐसा कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। तो इनके लिए जो ऑप्शंस थे वो बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था डर कि मेरे लिए ऑप्शंस क्या निकलेंगे, मैं किस स्ट्रीम में जाऊँ। तो उससे हमने इनको प्रोग्राम दिया था बिग डाटा एनालिटिक्स का, जो कि इनकी स्ट्रीम से प्लस इनकी स्टडीज दोनों से रेलिवेंट बन रहा था, उनका एक्सपीरियंस भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लाइक कोई हर्डल्स हुई हमारे साथ, या कुछ आपको ऐसा लगा कि हमने आपसे कुछ हाइड किया या कुछ भी ऐसा? नहीं, इस पूरी प्रोसेसिंग के दौरान मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि लाइक कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रोसेसिंग थी वो काफ़ी स्मूथ थी और काफ़ी जल्दी थी, और ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस मेरा सेक्रेटरी था वेस्टर्न ओवरसीज के साथ। और मेल्स वगैरह पे आपको रिप्लाई कैसा मिलता था? मेल्स के रिप्लाई भी मतलब कि बहुत जल्दी मिल जाता था, कि लाइक काफ़ी वेट नहीं करना पड़ता था, बहुत अच्छे से मिलता था। एंड कितनी बार आपको ऑफिस आना पड़ा है हमारी? ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि लाइक मैं काफ़ी दूर से मेरे को अप डाउन करना पड़ता था, तो वो मुझे काफ़ी मतलब कि अनकम्फर्टेबल लगता था कि बार बार छोटी छोटी बातों के लिए आना। तो बट वेस्ट यहाँ पे मुझे बहुत कम आना पड़ा, कि मैं अपने एक बार फाइल्स वगैरह दे के चली गई, उसके बाद मेरे को हार्डली 2 या 3 बार इनके ऑफिस दोबारा विजिट करना पड़ा। सो रवि, आप एंड में सबको क्या बोलना चाहोगे कि वेस्टर्न ओवरसीज का एक्सपीरियंस आपके लिए कितना अच्छा रहा और आप दूसरों को क्या सजेस्ट करते हो? मेरे लिए तो वेस्टर्न ओवरसीज का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, इवन आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एंड अभी तक मैं अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट कर भी चुकी हूँ, और मैं बाकी सब जो ये देखेंगे मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगी कि वेस्टर्न ओवरसीज बेस्ट है इस लाइन में। अगर आपको सच में फॉरेन जाना है और आपका ड्रीम है, तो वेस्टर्न ओवरसीज इज द बेस्ट ऑप्शन। सो गाइस, आपने रवि की सक्सेस स्टोरी देखी। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आईएलटीएस से रिलेटेड या फिर वीजा से रिलेटेड, आप एक बार वेस्टर्न ओवरसीज की नियर बाय ब्रांच में जरूर विजिट करो। एंड अगर आपके पास कोई ब्रांच नहीं है तो आप लोग अपना जो प्रोसेस है फाइलिंग का वो ऑनलाइन भी स्टार्ट करवा सकते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल करिए, आपको प्रॉपर ऑप्शन दिए जाएंगे, जिस कंट्री के लिए आप एलिजिबल होगे वो आपको प्रॉपर हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं वो गाइड करेंगे। थैंक यू।